महाराष्ट्र में बीजेपी द्वारा सरकार बनाने से आधिकारिक तौर पर इनकार किए जाने के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक हालात यह पैदा हो रहा है, जहां कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना एनसीपी की सरकार बनने की संभावना बन सकती है। जयपुर में कांग्रेस विधायकों की एक बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। सूत्रों ने कहा कि अधिकांश विधायक सेना के नेतृत्व वाली सरकार को शर्तों के साथ समर्थन देने के पक्ष में है। पार्टी के राज्य प्रभारी मल्लिका अर्जुन खड़गे राजनीतिक हालात के बारे में सोनिया गांधी को जल्द ही अवगत कराएंगे। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी एक कांग्रेस सूत्र ने कहा, एक संभावित परिदृश्य में सेना एनसीपी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बन सकती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का पद रांकपा के पास हो सकता है। कांग्रेस की रणनीति शरद पवार के परामर्श पर निर्भर होगी, जो मंगलवार को रांकपा विधायकों की बैठक के बाद सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। कांग्रेस सूत्रों ने यह कहा कि पार्टी शिवसेना से बातचीत पर तभी विचार करेगी जब वह भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो जाएगी और केंद्रीय कैबिनेट में उसके एक मंत्री अरविंद सावंत इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, कांग्रेस को राज्य में उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शिवसेना ने एक तरह की सुलह और संवाद का रास्ता साफ करने के लिए अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा है कि कांग्रेस राज्य की दुश्मन नहीं है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से मुलाकात की और राजनीतिक हालात पर चर्चा की। विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया है। अब सारी नजरें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा के अध्यक्ष शरद पवार पर है, जो मंगलवार को अपने विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं। रांकपा नेता नवाब मलिक ने कहा, हम उसी दिन इस मामले पर विचार करेंगे। मलिक ने कहा, यदि भाजपा शिवसेना सरकार बनाते हैं तो हम विपक्ष में बैठेंगे, अन्यथा हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावना तलाशेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने रविवार को ट्वीट किया, महाराष्ट्र के राज्यपाल को चाहिए कि अब दूसरे सबसे बड़े गठबंधन रांकपा कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, क्योंकि भाजपा शिवसेना ने सरकार गठन से इनकार कर दिया है। नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा में 105 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि शिवसेना के पास 56, रांकपा के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश प्रदेश सरकार को दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद मस्जिद के लिए दी जाने वाली जगह की तलाश शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर सदर तहसील के पूरा विकास खंड अंतर्गत शहनवा ग्राम सभा एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इसके अलावा सोहवाल, बिकापुर व सदर तहसील क्षेत्र में भी भूमि की तलाश राजस्व विभाग ने शुरू कर दी है। शहनवा ग्राम सभा में बाबर के सिपह सालार मीर बाकी के कब्र होने का दावा किया जाता रहा है। इस गांव के निवासी शिया बिरादरी के रजब अली व उनके बेटे मोहम्मद असगर को बाबरी मस्जिद का मुतवल्लिल कहा गया। इस परिवार को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से 302 रुपए 6 पाई की धनराशि मस्जिद के रखरखाव के लिए दी जाती थी। सुन्नी सेंट्रल वाक्फ बोर्ड के दावे में इसका जिक्र भी किया गया। यह अलग बात है कि बाबरी मस्जिद पर अधिकार को लेकर शिया वाक्फ बोर्ड व सुन्नी सेंट्रल वाक्फ बोर्ड के बीच विवाद के बाद वर्ष 1946 में कोर्ट ने सुन्नी बोर्ड के पक्ष में सुनाया था। बावजूद इसके किसी दूसरे मुतवल्लिल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। फिलहाल पूर्व मुतवल्लिल के वारिसान आज भी इसी गांव में रह रहे हैं। इन वारिसान की ओर से भी मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी जमीन दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। यही नहीं, 1990 से 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम पक्ष की वार्ता के दौरान मस्जिद के लिए विहिप की ओर से ही शाहनवा गाँव में जमीन दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह अलग बात है कि मुस्लिम पक्ष ने विवादित परिसर से अपना दावा वापस लेने से इनकार किए जाने के बाद विहिप ने भी बाबर के नाम पर देश में कहीं भी मस्जिद नहीं स्वीकारने का ऐलान कर दिया। विहिप का यही स्टैंड अभी भी कायम है। रामलला के नेक्स्ट फ्रेंड त्रिलोकी नाथ पांडे कहते हैं, हम किसी उपासना पद्धति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बाबर नाम के मस्जिद अयोध्या क्या देश में कहीं भी स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मान्य है और कोर्ट के आदेश में मस्जिद का निर्माण कराया जाता है तो कोई एतराज नहीं होगा।
घर आई साक्षी का अपनी पड़ोसन से व्हाट्सएप पर मैसेज के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि शनिवार रात पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया, मारपीट और अभद्रता की। उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना इज्जत नगर में मामले की NCR दर्ज कराई गई। इसके बाद रविवार को दोनों पक्षों में लिखित में समझौता हो गया। अंतरजातीय विवाह कर चर्चा में आई विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी अपने पति अजितेश के साथ इन दिनों शहर में है। वीर सावरकर नगर स्थित मकान नंबर 76 में उनके पड़ोस में रहने वाले अंशुमन त्रिपाठी और उनकी पत्नी योगिता त्रिपाठी रहते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक योगिता और साक्षी के बीच व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे थे। उनकी शादी को लेकर चैटिंग होने पर साक्षी नाराज हो गई। उन्हें योगिता त्रिपाठी की बातें नागवार गुजरी, जिस पर वह घर से बाहर आ गई। साक्षी का आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने हमला कर दिया, मारपीट, गाली गलौज और अभद्रता की। घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनकी जान बचाई। शनिवार रात को थाना इज्जत नगर में साक्षी की ओर से NCR दर्ज कराई गई थी। रविवार को दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इंस्पेक्टर इज्जत नगर के वर्मा ने बताया कि मारपीट के आरोपों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने लिखित में समझौता कर किसी भी कार्रवाई को करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वकील पुलिस की भीषण झड़प की घटनाओं के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर इस विवाद का हल निकालने के लिए सभी जिला अदालत एसोसिएशन के सदस्यों, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल अनिल बेजल के बीच रविवार को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस वजह से दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। समन्वय समिति के महासचिव ने इस बात की जानकारी दी। सभी जिला अदालतों के बाद एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा, हमारे सहयोग के बावजूद वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए दिल्ली के सभी जिला अदालतों में शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हड़ताल रहेगी। हमारी मांग थी कि वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने इसका विरोध किया, इसलिए हम काम का बहिष्कार करना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने उपराज्यपाल के निवास पर चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें समझने की कोशिश की गई, चूंकि न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए जांच के परिणाम के आधार पर ही किसी भी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने पुलिस और वकील दोनों से अपील की कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखे। उन्होंने बताया, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर वकीलों के निकायों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल की उपस्थिति में आज रविवार शाम दोनों पक्षों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि चूंकि न्यायिक जांच पहले से ही चल रही है, इसलिए न्यायिक जांच के नतीजों के आधार पर ही किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने पुलिस और वकील दोनों से मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखने की भी अपील की। कसाना ने बताया कि एक घंटे तक चली बैठक में विशेष पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, प्रवीर रंजन, संयुक्त आयुक्त देवेश श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रपिता बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान को राम नगरी अयोध्या में दोनों धर्मों से जुड़े मौलाना और पुजारियों ने चरितार्थ करके दिखाया है। यहाँ के मौलाना भी चाहते हैं कि इतना भव्य राम मंदिर बने जिसे देखने पूरी दुनिया आए। मंदिर मस्जिद की राजनीति समाप्त कर सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अयोध्या पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा है। किसी के जहन में कोई डर भय नहीं है, सब बेफिक्र होकर अपने काम धंधे में लगे नजर आए। दोनों धर्मों के लोग अब भविष्य की अयोध्या कैसी होगी इसके सपने बुनने में जुट गए हैं। काजियाना मोहल्ले में मस्जिद के पास मौलाना जलाल अशरफ काजी ए शहर अयोध्या से मुलाकात हुई। बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आया है उससे वह संतुष्ट है, मेल मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। अब अयोध्या का इतना बेहतरीन विकास किया जाना चाहिए कि देखने वाले नाम ले, इतना भव्य मंदिर बन जाए जो पूरे विश्व में जाना जाए, सड़कें बेहतर हो, हर आदमी विकास करे। उन्होंने कहा कि अयोध्या वाले तो कभी नहीं लड़ते, यहाँ के नाम पर भले ही दूसरे लोग लड़ ले। अंजुमन मुहाफिज मस्जिद के सचिव
मोहम्मद अजम कादरी ने कहा कि अब सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड की तरह अयोध्या मंदिर के बनने वाले ट्रस्ट में मुस्लिमों को भी जगह दे। मंदिर मस्जिद की राजनीति अब समाप्त की जानी चाहिए। मोहम्मद कादरी ने बताया कि शनिवार को अयोध्या में मोहम्मद साहेब का जुलूस निकाला जाना था, सौहार्द बना रहे इसलिए जुलूस निकालने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके लिए शासन प्रशासन का कोई दबाव नहीं था। अयोध्या में अब विकास और रोजगार के साधन बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। बाबरी मस्जिद के मुईद मोहम्मद उमर के साथ ही अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कहा कि वह लोग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसे लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब अयोध्या में विकास और एक भव्य मंदिर की राह यहां की जनता देख रही है। उदासीन आश्रम के दिव्यांशु गोस्वामी ने कहा कि यह फैसला हम यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के हित में है। फैसले से दोनों वर्गों का दृष्टिकोण बदलेगा। अयोध्या में अब विकास का रास्ता खुलेगा। राम किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि सर्वव्यापी और सर्व समाज के हैं। बिरला मंदिर के पुजारी अंकुश झा ने कहा कि सत्य की ही जीत होती है। फैसले का अयोध्यावासी स्वागत कर रहे हैं। अब अयोध्या का विकास होगा। वीरू तिवारी और पवन सिंह ने कहा कि फैसले का सबको आदर करना चाहिए। अयोध्या के लोग गरीबी के शिकार हैं। पर्यटन का विकास किया जाए ताकि यहां रोजगार के साधन बढ़े। अधिवक्ता सुभाष त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित न्याय दिया है। लंबे समय से लंबित यह विवाद अब समाप्त हो गया। उम्मीद जाहिर की कि अब अयोध्या का विकास होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।